हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए लड़कियों को ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। तो जो पीरियड का जो टाइम होता है उस टाइम पे वो वर्कआउट करें ना करें, इस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपकी बहनें माताएं आपकी जितनी भी जानकार लड़कियां फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स आपकी जो भी वर्कआउट करती हैं आपसे भी ये चीज़ डिस्कस करती होंगी। कुछ कोच जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये डिस्कशन होती होगी कि क्या उनको पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए, मतलब क्या उनके लिए सही होगा वो वर्कआउट करना, उनको कहीं उससे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। और स्पेशली मेरे पास कुछ लड़कियां ऐसी आती है जो मुझे बोलती हैं आकर कि सर मैं आज वर्कआउट नहीं कर सकती या मैं कल वर्कआउट नहीं कर सकती, अगले 3 या 4 दिन के लिए जब तक उनके पीरियड्स हैं तब तक वो वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, तो क्या ऐसा सही है? उस टाइम पर आप अगर वर्कआउट नहीं करते हैं या करते हैं उसका बहुत ज्यादा सा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनटिल और अनलेस आपका कोई स्पेशल केस नहीं है, आप कोई पीसीओडी पीसीओएस हार्मोन इश्यूज कोई ऐसे इश्यूज नहीं है आपको, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। जिनको वो इश्यूज हैं वो कंसल्ट करें डॉक्टर से और अपनी जिस तरह से भी मेडिकली आपका जो पॉसिबल हो उस तरह उस चीज को कैरी करें। लड़कियों को नॉर्मल पीरियड्स आते हैं 4 दिन 5 दिन, उन लड़कियों को मैं एक चीज साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे। ऐसा कोई भी प्रूवन फैक्ट नहीं है जो बोले कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए पीरियड्स के टाइम में। इसके अंदर 5 चीजें निकल के आती हैं जो आपको फायदे 5 होने वाले हैं वो मैं आपको आज बता देता हूं। नंबर 1 जो आपको फायदा होगा पीरियड्स के अंदर वर्कआउट करने से, जिस तरह की आपको क्रैम्पिंग होती है कई बार पीरियड्स के बीच में आपको क्रैम्पिंग होती है, पेन होता है एक्सट्रीम, वो सारी चीजें आपकी कम हो जाएंगी अगर आप पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करते हैं। सेकंड चीज, जो मूड स्विंग्स आपको रेगुलर होते हैं पीरियड्स पे, हर लड़की को ये चीज देखने को मिलती होगी कि उनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये मतलब कि फ्रस्ट्रेशन चिड़चिड़ापन ये सारी चीजें होने लग जाती हैं, उस चीज में आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि आप वर्कआउट जब करते हैं तो आपका डोपामिन जो हैप्पीनेस हॉर्मोन है वो रिलीज होता है और वो आपको हेल्प करता है आपके मूड को स्टेबिलाईज रखने के लिए, आपके कंट्रोल में रखने के लिए। थर्ड जो फायदा आपको होता है कि जो आपका फ्लो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिस तरह से नेचुरली होना चाहिए उस चीज में हेल्प मिलती है। चौथा आपको क्या होता है कि बॉडी आपकी सारा दिन स्टिफ रहती है, स्पेशली पीरियड्स में अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको एक अकड़न सी एक जठन सी महसूस होती है पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं लाइट स्ट्रेचिंग करते हैं उन सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी काफी हद तक लाइट फील करती है, आपको जो एक्स्ट्रा पेन होते थे उस चीज में आपको आराम देखने को मिलता है। पांचवा मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी लड़कियों का यह भी कहना होता है कि पीरियड्स के टाइम में उनको बेवजह की क्रेविंग होती है, पूरे महीने की हुई मेहनत वो उसके अंदर गवा देती है। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि कुछ 1 या 2 दिन खा लेने से आप पूरे महीने की आपकी मेहनत खराब नहीं करते हो, चाहे आप 1 या 2 दिन में कुछ भी खाते हो, हालांकि फर्क पड़ता है लेकिन स्टिल आप उतना खराब नहीं करते हो जितना आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हो तो उसका फायदा यह हो जाता है कि आप थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाते हो अपने वर्कआउट को लेके, आपको ये फील आती है आपको ये समझ में आता है कि जब मैं अपने पीरियड्स में ही वर्कआउट करने लगी हूं इतनी मैं डेडिकेशन दिखा रही हूं तो मुझे चीट भी नहीं करना चाहिए। उस चीज के लिए आपको इंटरनली सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी डाइट पे आपके न्यूट्रिशन पे आपके वर्कआउट पे फोकस करने के लिए। इसके अलावा 5 चीजें ऐसी भी हैं जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है वर्कआउट करते हुए ड्यूरिंग पीरियड्स, वर्कआउट से पहले पीरियड से पहले भी पीरियड्स के बाद भी, उन 4 या 5 दिन का जो एक पूरा वीक आपका जो बन जाता है उसके टाइम पे उन 5 चीजों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो 5 चीजें ये हैं कि फर्स्ट आपको ध्यान रखना है इंटेंसिटी का। अगर आप वर्कआउट करते हैं वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप इन चीज को समझ गए और आप वर्कआउट करना शुरू कर दिया पीरियड्स के टाइम पे भी, एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि शुरू के 2 या 3 दिन जब फ्लो ज्यादा है जब पीरियड शुरू हुए हैं तब आपको आपकी बॉडी को सेफ रखते हुए वर्कआउट जरूर करना है, लेकिन साथ में इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी लो रहे। एज यूजुअल जितना आप इंटेंस करते हो उससे थोड़ा सा कम इंटेंस करें, आपकी बॉडी आपको खुद कॉल करेगी कि कितना इंटेंस आप कैरी कर सकते हो, उस तरह से आपको अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखना है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है उसके अंदर आ जाती है हाइड्रेशन। देखो वैसे तो गर्मियों में पानी वैसे ही पीना चाहिए, सर्दियों में पीना चाहिए, बॉडी को पानी चाहिए चाहिए, बट ड्यूरिंग पीरियड्स आपका फ्लो ज्यादा होता है, लड़कियां कई बार पानी पीना कम कर देती हैं, फीमेल्स पानी कम पीने लग जाती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ऐसा बहुत सारी जगहों पे मेरे को सुनने को भी मिला है और मुझे खुद मैंने कई लड़कियों से बात करी है इस वीडियो को बनाने से पहले, उनका भी यही कहना है कि हाँ उनको प्यास लगनी कम हो जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी अपनी ड्रॉप कर देती हैं, थोड़ा रेस्ट पे चली जाती हैं, बेड रेस्ट या कुछ भी, जिस तरह का भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट आपको फील होती है कि कम हो गई है, तो अपने आपको हाइड्रेट जरूर रखो उस टाइम पे स्पेशली। थर्ड टॉपिक यही है कि ट्रीट आप अपने आप को दे सकते हो ड्यूरिंग पीरियड्स, अपने आप को अपने मूड को स्टेबलाइज रखने के लिए हैप्पी फील करने के लिए आप अपने आप को एक ट्रीट दो, जो चीज आपकी मनपसंद है उसको खाओ,
उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका पोर्शन साइज आपके कंट्रोल में होना चाहिए, बट डरना नहीं है। चाहे वो मीठा हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, आप उस टाइम अपने आप को एक स्पेशल फील करवा सकते हो, थोड़ा अच्छा आपको फील होगा। चौथी चीज जिसका ध्यान रखना है, उसके अंदर आपको लिफ्ट, अगर आप वेट लिफ्ट करते हो, हैवी वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हो जनरली, तो आपको बस उस टाइम पे थोड़ा सा वेट मॉडरेट सा उठाना है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वेट उठाना है। बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करने की या बहुत ज्यादा यू नो 1 RM या रिस्की लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पांचवी ये है, आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं। जिस तरह के भी आप कपड़े पहनते हो, जो भी अटायर आपका जिम के लिए होता है, उसके अंदर बस आपको ये चीज डालनी है कि जब आप ड्यूरिंग पीरियड्स वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके कपड़े लूज हो, आपकी जो कपड़े हो उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी मूव कर सके अच्छे से, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई टेंशन आपकी मसल्स पे ना हो, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से वर्कआउट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से आपका ब्लड फ्लो हो पाता है और आपकी मूवमेंट फ्री हो जाती है। तो इस वीडियो में मेरा समझाने का मतलब यही था कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप वर्कआउट कर सकते हो, बस इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने इसके अंदर डिस्कस करी है। जितने भी लोगों ने वीडियो देखी है, अगर यहां तक आपने देख लिया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर उनके साथ स्पेशली करो जो इन चीज को मिथ को रखती है, और आपकी फीमेल फ्रेंड जितनी जिम करती है उन सबके साथ ये चीज शेयर करोगे तो उनको इस चीज के बारे में पता चलेगा और वो आगे जाके फ्यूचर में इस चीज को अप्लाई कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, सब्सक्राइब चैनल कर दो, उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।